कुछ सेकंड किसकी? लगेगा मुझे। फिर स्टार्ट कीजिए। हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। तो मैं यहाँ पे राहुल सर को टीम कलारम की तरफ से वेलकम करना चाहूँगी। आज राहुल चक्रवर्ती सर जो वेस्ट बंगाल से हैं, हमें यहाँ पे वाटर कलर का डेमो देंगे। सर यूजुअली वाटर कलर्स में ही काम करते हैं एंड लैंडस्केप उनके बहुत ही फेवरेट आपको कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं जिन्हें वो पेंट करते हैं अपने वाटर कलर्स से। एंड सर बहुत ही एग्जिबिशंस और वर्कशॉप का पार्ट भी रह चुके हैं एंड उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके अलावा हमें राहुल सर पापकी में भी मिले थे, वहां पे हमने सर का काम देखा और जो सर के आप कलर स्कीम्स और जो स्ट्रोक्स नोटिस करेंगे तो आपको वो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो आज आप सब उनसे जो भी क्वेश्चन होंगे डेमो के दौरान आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड राहुल सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? प्लीज ओवर टू यू। राहुल दादा म्यूट है, म्यूट है, आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ परफेक्ट। हेलो, सुन रहे हो सर? हाँ यस सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगा मेरी क्रिसमस टू ऑल। आज बहुत ही अच्छा एक दिन है और मैं कलारम को थैंक्स कहना चाहूंगा कि इस बहुत अच्छे दिन में मुझे डेमो देने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत एक इंथुजियाज्म एक्सपीरियंस है। तो जो है, तो मैं सभी को बस बोल रहा हूँ कि थोड़ा जो मैंने सीखा है, मैंने सीनियर से देखे, बहुत सारे एग्जीबिशन में गए, वर्कशॉप में गए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस सीखे, जब सीनियर जो है उसे सीखे, तो मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है मैं वही आज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है वाटर कलर लैंडस्केप, जो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, मतलब कैप्चर करने में, जिसमें कलर पर्सपेक्टिव रहता है, ड्राइंग पर्सपेक्टिव रहता है, ऐसा कुछ कलर लगाना पड़ता है जिससे जो देख रहा है, जो ऑडियंस है, उसको रियल फील आए कलर के साथ, महसूस करे कि हाँ मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इस पिक्चर से रिलेट कर पा रहा हूँ। तो बस एक कुछ लैंडस्केप में ध्यान रखना पड़ रहा है। और नौ बज भी गया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस ड्राइंग में थोड़ा बहुत करके रखा हूँ, थोड़ा ड्राइंग के साथ मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा दे रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी बस 2-3 मिनट में। चलिए, जी सर, तो आशा करते बहुत हम इंजॉय करेंगे सभी मिलकर। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप कैमरा थैंक यू। प्लीज सेटअप कर लीजिए। हाँ मैं सेटअप कर लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए। ओके जी सर, डेफिनेटली सर। तो इतना राहुल सर सेटअप कर रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि हम हर संडे 9 बजे डेमो होता है, हम अलग अलग आर्टिस्ट को लेके आने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग मीडियम जान सकें। तो आप डेफिनेटली इसे यूट्यूब स्ट्रीम की से या फिर जूम मीटिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज राहुल सर है हमारे साथ जो हमें वाटर कलर में लैंडस्केप का डेमो देंगे। तो अभी सर बस कैमरा सेटअप करके, सर ने ऑलरेडी ड्राइंग कर दिया है तो आप उसे देख सकते हैं। अगेन सर लैंडस्केप ही कर रहे हैं, तो अभी बस थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। वंशिका, खजुराहो का इंट्रो दे दो एक बार वर्कशॉप का। यस सर, डेफिनेटली। एंड मोर ओवर हमने बूंदी की वर्कशॉप के बाद अब खजुराहो की वर्कशॉप भी अनाउंस कर दी है जो मार्च के मंथ में है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको कलारम के पेज पे मिल जाएंगी। तो उसमें आप इवन स्टोरीज में आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको पूरी PDF के साथ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑलराइट, सर ने सेट कर दिया। तो आप चालू करें बंसी का। यस सर। ओके ओके, तो शुरू करते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप देवो आज का जो टॉपिक है, पहले जो होता है थोड़ा बहुत। हाँ राहुल जी, आपने अगर थोड़ा थंबनेल बनाया तो उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा दीजिए और बता हाँ दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ था, पार्ट है, थंबनेल बताया। मैंने किया वो थंबनेल है, वो कितना जरूरी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा, जैसे आपने किया है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मेरा थंबनेल के बारे में बता रहा हूँ कि जो थंबनेल मैंने आप देख रहे हैं ना, साइड में, बोर्ड के साइड में टेप से अटका हुआ है जो,
तो ये मैंने आज स्पॉट में जाके हमारे यहाँ का ये गांव का जगह है उसमें जाके हम ये थंबनेल बनाए। तो हम क्या करते सभी कोशिश करते कि हर वक्त फोटोग्राफ करने की कोशिश नहीं करते, तो ये कोशिश करते कि हम ऐसे थोड़ा थंबनेल बना के लाए और कहाँ कहाँ जो लाइट आ रहा है, कहाँ का जो शेड आ रहा है, तो पेंसिल स्केच के जरिए हम दिखाना ऐसे आसानी होता है, वो सही रहता है मैंने टेक्निक। तो ये जरूरी होता है बहुत कि थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं ना एक आर्टिस्ट के लिए ऑलवेज कीप ए स्केच बुक, हर वक्त ऐसे छोटा मोटा कुछ किसी स्केच बुक रखिए और किसी भी जगह अगर दिख जाए, सभी जगह में मोबाइल से फोटो भी खींचिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक थोड़ा बहुत थंबनेल भी बना लीजिए। क्या होता है ना इसमें बहुत हम रिलेट कर पाते हैं नेचर के साथ बहुत अच्छा, तो ये बहुत ही जरूरी होता है और इसमें थोड़ा बहुत स्केच का भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, पर्सपेक्टिव लाइट एंड शेड सब सही आंख बन जाता है, आंख तैयार हो जाता है कैसे हम बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हमारे यहाँ का एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाया हुआ हूँ, हमारा यहाँ सामने वाला एक गाँव का, तो ऐसे थोड़ा बहुत मैं जो एंगल में था इस तरह का कुछ पर्सपेक्टिव मुझे दिख रहा था, तो इस तरह सा पर्सपेक्टिव मैं बनाया हूँ उसमें। ओके तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा राहुल दादा को, तो हमने कश्मीर में भी काफी रेजिडेंशियल वर्कशॉप में मिले, काफी नजदीक से देखे है, काफी प्योर आर्टिस्ट है राहुल दादा एक, और काफी काफी अच्छा लगा, काफी इन मामले में इस मामले में काफी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अब अभी भी आप देख पा रहे हो कि थंबनेल इन्होंने बनाया और उसको सामने रखा है, और हम क्या करते हैं कि कई बार अक्सर थंबनेल तो बनाते हैं उसको बैग में डाल देते हैं फिर शुरू करते, ऐसा नहीं है, वो थंबनेल आपके डायरेक्शन है, तो जिस तरह से राहुल दादा ने थंबनेल में जो प्लानिंग किया वो सामने रखा है आप देख पा रहे हो। इस चीज को नोटिस कीजिए आप कि थंबनेल बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा फोकस थंबनेल में दे दीजिए चलेगा, पेंटिंग नहीं होगा तब भी चलेगा, इतना इम्पोर्टेंट है थंबनेल। तो प्लीज राहुल दादा आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल 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 तो चलिए हम पहले स्प्रे से स्टार्ट करते हैं। सबको दिख रहा है ना ठीक से, सेटअप ठीक है ना? यस ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाँ चले हाँ ठीक है परफेक्ट, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए कैमरा, थोड़ा सा पूरा फ्रेम में आ जाएगा वो पेपर एकदम। यस तो यहाँ और थोड़ा नीचे, हाँ बस 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 अभी कौन सा पेपर है सर और आप क्या कलर यूज? मैं अभी मिजोरम मिशन गोल्ड से करूंगा ये पूरा, और थोड़ा बहुत सिनेलियर का भी है और दो एक कलर केमल का ही, लेकिन ज्यादातर मिजोरम मिशन का ही है। और ये कलर जो है ये हमारा यहाँ का जो शांतिनिकेतन है बोलपुर, सभी जानते हैं कला भवन, यहाँ का एक लोकल पेपर बनता है, बहुत अच्छा पेपर है बफ कटीज, इसके बारे में सभी को पता है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है चलता है, तो इस पफ कट इस पेपर मैंने लिया है इसको बनाने के लिए। क्या बात है दादा, कैमरा थोड़ा साइड हो गया थोड़ा सा, हाँ हाँ अब सही है, अब सही है, हाँ चलिए चालू करते हैं, पहले येलो पर स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर पूरा ड्राई है, पेपर है पेपर ड्राई है, पेपर का मॉइस्चर का पूरा फायदा मैं ले लूंगा, अभी जो सर्दी का टाइम चल रहा है इस पेपर का मॉइस्चर भी बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा, ज्यादा सूखता नहीं है। योलो ऑकर ये कौन सा कलर है? योलो ऑकर है, ये है सैप ग्रीन, और सैप ग्रीन के साथ मैंने थोड़ा ऑरेंज मिक्स किया है। कोई कंटिन्यू चल रहा है ऑरेंज और सैप ग्रीन, किसी जगह में ऑरेंज का भाग थोड़ा ज्यादा है और किसी किसी जगह में सैप ग्रीन का भाग थोड़ा ज्यादा है। सर आप ड्राई पेपर में अप्लाई कर रहे हो? हाँ ड्राई पेपर में, मैंने थोड़ा बहुत पेपर को ड्राई किया स्प्रे के जरिए, अभी
मॉइस्चर अच्छा ही है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मॉइस्चर उतना बुरी नहीं है, लेकिन क्या मैं और थोड़ा मॉइस्चर के लिए रिपर थोड़ा ड्राई किया हूँ स्प्रे के जरिए। ड्राई किया मतलब पहले गीला करके ड्राई किया कि जैसे है दुकान से लाया उसके बाद ड्राई किया? नहीं, अभी लाने के बाद ही अभी स्प्रे से ड्राई किया है। ओके, मतलब थोड़ा सा वो नमी हो जाता है तो उसको ड्राई करके करक बना लिया था। हाँ। ऐसे ही चल रहा है कलर, कहीं से ब्रिज कहीं थोड़ा बहुत जो लोग सर ये पेपर कौन सा है? टिबक कटी से, शांति निकेतन मीडिया पर जो है ना, रविंद्रनाथ टिबक का जो आर्ट कॉलेज कला भवन, यहाँ पर ये बनता है। बहुत बढ़िया पेपर है, सभी के लिए आप प्रैक्टिस में भी काम कर सकते हैं और प्रोफेशनल ग्रेड में भी आप काम कर सकते हैं। सर ये स्मूथ पेपर है? हाँ यस, फिर से पूछिए। ये स्मूथ पेपर है कि रफ है? नहीं, एकदम स्मूथ है, थोड़ा इसमें किसी भी तरीके का रफनेस नहीं है, एकदम स्मूथ पेपर है पूरा पूरी एकदम। ये रफ पेपर सर, ये वही पेपर है क्या जो कलारम की स्केचबुक में है? कलारम का जो स्केचबुक आपने देखा होगा कि रैप एंड लूप में अवेलेबल है, तो वो जो स्केचबुक है वो वापकटिस के ऊपर ही है, यही पेपर के ऊपर। बहुत अच्छा पेपर होता है, और अभी दो तीन, अभी क्या है ना, दो तीन क्वालिटी का आ गया है। मतलब एक पिछला वाला एक होता है, कि दोनों साइड में आप कर सकते हैं, और एक होता है उसमें एक साइड ऑयली होता है पिछला वाला, और दोनों साइड में आप नहीं कर सकते, और एक होता है कि आप दोनों साइड में ही कर सकते हैं। तो ऐसे दोनों क्वालिटी का भी आ रहा है, और तीन क्वालिटी का आता है। प्रैक्टिस करने के लिए एकदम नॉर्मल एक जो है 12 रुपीज का एक पेपर है, वो बहुत अच्छा है। बस प्रैक्टिस करने के लिए जो लोग अभी जब इंटरमीडिएट कर रहे हैं, सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उतना महंगा तो उसको नहीं चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता ही है। थोड़ा सा अगर आइडिया है तो कॉस्ट भी थोड़ा बता दीजिए तो मालूम चल जाएगा कि कितना। एक 12 रुपया वाला है, एक 30 रुपया वाला है, और एक 45 रुपया वाला है। वो जो है वो सबसे बढ़िया है, उसका स्केचबुक भी आता है जो 45 रुपीज जो होता है ना, फुल स्केचबुक भी आएगा। फुल इम्पीरियल नहीं, वो स्केचबुक जो आता है वो मतलब A4 साइज का स्केचबुक आता है, और ऐसे सिंगल आप फुल इम्पीरियल भी मिल जाएगा 45 रुपीज में। ओके, तो दादा वो बोलपुर में जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा ये? हाँ, राजश्री ना, वो दो तीन दुकान है, एक राजश्री है, एक दुकान का वो सब नाम दुकान का पता नहीं, लेकिन सब बोलते हैं अरुद्धा का दुकान तो उधर मिल सकता है, अरुद्धा का दुकान में उधर भी मिल जाएगा। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि राजश्री जो दुकान है उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, और जो अरुद्धा का दुकान जो है वो थोड़ा रीजनेबल प्राइस लेता है। और आपको और कोलकाता में भी मिल जाएगा, इंद्रोदा का जो दुकान है, इंद्रोदा का दुकान में भी मिल जाएगा। सबसे अच्छा रेट वो इंद्रोदा ही देता है इसी इस इलाके में, शांति निकेतन में कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्योंकि जो बाकी ऑल इंडिया में बैठे उनके लिए क्या साधन है, एक तो हम रैप एंड लूप के जरिए किया है जो भी पेपर हमको मालूम। एक्चुअली मैं बताऊं कि इतने सारे ये जो आपने बोला इतना क्वालिटी वाला मुझे मालूम नहीं था, तो आज ये मालूम करने के लिए मुझे कुछ टेस्टिंग करना होगा कि वाकई उसमें अंतर है, और हम इन फ्यूचर देखेंगे उस पेपर को कैसे ऑल इंडिया में उनके अगर कुछ ऑनलाइन उन्होंने अगर भेज पाए तो जो राजस्वी बहुत बड़ा दुकान है और इंद्रोदा ऑनलाइन देता है एकदम पक्का ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन देता है इंद्रोदा। वो इंद्रोदा मतलब शियालदा में जो दुकान है? हाँ, शियालदा में दुकान है। यस, वो ऑनलाइन देता है। अगर आप थोड़ा बहुत लेंगे उसका एक रेट स्लॉट है कि इतना रेट में आप ले सकते हो लोग, तो वो ऑनलाइन भेजता है, घर में कुरियर करके भेज देता है इंद्रोदा। एक्चुअली वाटर कलर सीखने के लिए हमें बहुत सारे पेपर्स की जरूरत होता है, तो ये बेस्ट है जो बिजनेस लेवल पे, क्योंकि ये अक्सर हमें जरूरत रहता है, और ये वेस्ट बंगाल में इसी पेपर को जानते हैं मैक्सिमम आर्टिस्ट। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर में वो करते भी नहीं है, मतलब मैक्सिमम बापकटिस में ही काम करते हैं।
हाँ ये होता है कि जो आर्ट कॉलेज का जो लड़का लोग होता है ना, सब वो इस पे ही प्रैक्टिस करता है, क्योंकि आर्ट कॉलेज का जो वहाँ का जो टीचर लोग कराते हैं दिन में 10 बड़ा काम कराते हैं एकदम। किसी किसी जगह मास्टर तो फुल एम्पीरियल के लिए सवाल करते, वो छोटा काम पसंद ही नहीं करते। तो इसे तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल होता है ना कि इतना महंगा पेपर पूरा पूरी करने के लिए, एंड सभी के लिए बजट एफर्ट नहीं करता है, तो इसलिए सभी प्रैक्टिस चूज करता है। हालांकि आज के डेट में चित्रपट के आपके मुझे मैं अगर सही कह रहा हूँ तो साइड 60-70 के आसपास एक पीस है। हाँ, चित्रपट भी बहुत अच्छा है। मतलब उसके बाद, भी बहुत अच्छा है। बाद अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो चित्रपट बेस्ट है। हाँ, चित्रपट बेस्ट है। और चित्र तो मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, आप जो शांति निकेतन की जितने भी दुकान है ना, जो दोनों दुकान बोले वहाँ पे शांति निकेतन था, वहाँ का लोकल जो संथाली जो ग्राम है संथाली विलेज, वहाँ पर वो लोग बनाते हैं विलेज में, वहाँ का भी पेपर रहता है वो 30 रुपए से स्टार्ट होता है, नहीं 22 रुपए से स्टार्ट होता है, 22 रुपए वाला है कि 30 रुपए वाला है, 65 रुपए वाला है। आप आ ही रहे हो ना, थोड़ा एक चक्कर मारेंगे, थोड़ा देखेंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है, सब आपको दिखा देंगे सब जगह। वो पेपर भी बहुत अच्छा होता है, वो महंगा भी होता है और अच्छा भी होता है। ठीक है एकदम। तो मैंने वॉश थोड़ा कर दिया है इसको, मैंने पहला लेयर इसको इस पे दिया है कि जहाँ जहाँ जो भी कलर चाहिए, बस अब मैं थोड़ा डार्क का काम और थोड़ा इसमें आप थोड़ा काम करूंगा अभी, फिर थोड़ा बहुत सूखने के बाद अब इसके सेकेंड लेयर में देना स्टार्ट करूंगा। सर आप यूजुअली फ्लैट ब्रशेस ही यूज करते हैं? नहीं नहीं वैसे ऐसा नहीं है, बस अभी तो पहला वाला लेयर छपा रहा हूँ ना, इसलिए फ्लैट ब्रश यूज कर रहा हूँ। अभी जो जब डार्क छपाना स्टार्ट करूंगा तो लेयर दोनों ब्रश में ही करूंगा, राउंड फ्लैट दोनों से ही करूंगा। हाँ वैसे मैंने राहुल दादा का जो स्ट्रोक्स देखा है मैक्सिमम फ्लैट ब्रश से ही करते हैं। हाँ, ज्यादातर मैं फ्लैट ब्रश ही करता हूँ और इसमें ज्यादा फ्लैट ब्रश भी यूज करूंगा। ब्रास भी मेरा मिक्स्ड है, मेरा रफेल का ब्रास भी है, आर्टिसन सिल्क का ब्रास भी है और तिंतो रेतो का भी ब्रास है। मैं तिंतो रेतो का ब्रास मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मैं यूज करता हूँ, उससे मुझे मेरे साथ बहुत तो सेटअप होता है तिंतो रेतो का, और अच्छा भी ब्रास है। और रफेल तो बहुत अच्छा ब्रास है ही, सभी जानते हैं रफेल ब्रासेस को, तो अच्छा ब्रास है ही रफेल। तो आशा करूँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ बस आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। टैप ग्रीन, कोबल ब्लू, ऑरेंज, थोड़ा पीस से डार्क लगाऊंगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ पेपर मार्केट से लेके आ जाते हैं या किसी से, जैसे अभी सुना है दादा से कि बाप का टी साहब लेके चले गए, आपको पहला पेपर में रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि कितने देर में ये कितना पानी सोखता है इसका। उस कैरेक्टर को समझने के लिए आपको 10 पेंटिंग करना पड़ेगा, चाहे आप आर्टिस्ट पेपर लेकर आर्च पेपर भी लेके बैठेंगे तभी आपको 10 पेंटिंग करके आपको समझ में आएगा कि आर्च पेपर कैसे काम करता है, और शायद तो भी 10 पेंटिंग भी कम है समझने के लिए। तो इसीलिए और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा जो बिगनर्स लेवल पे है या ऐसे कुछ बेसिक सीख रहे, बहुत ज्यादा पेपर को स्विच ना करें, अभी एक पी किया, सुबह एक किया, शाम को एक किया, या कल एक किया, या 2 दिन में चेंज किया, उससे भी आपको डिस्टर्ब होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग दिनों में आप कंटिन्यू कीजिए, किसी एक पेपर को सिलेक्ट करके कम से कम 20-30 करे, मतलब 20-30 दिन, 1-2 महीना करे, फिर अगर चेंज करना फिर उस पे करे कुछ दिन, तो रोज चेंज ना करे। एकदम 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 सही सुझाव है। तो ज्यादा चेंज करने से क्या था, मैं
ये जो जनता अशीत दादा ने बोला ना, ये मैंने मेरे साथ खुद हुआ था। मैंने जो ऑप्शन मेरे साथ साथ में था और मैं बहुत स्विच करता था पेपर को, लेकिन उससे मुझे काफी परेशानी हुआ है। एकदम सही सुझाव है कि यही मेरा भी बोलना है कि पेपर को ज्यादा स्विच ना करें, एक ही पेपर ले और उसको समझने की कोशिश करें। कुछ क्या होता है ना, बाद में देखेंगे आपको उस पेपर में आपसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ये होता है बहुत सारे अभी जैसे राहुल दादा ने यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो बाप का डिस्क एक स्मूथ है, प्लेन है, उसके जो कैपेबिलिटी है पानी ऑब्जर्व करने के लिए, तो उन्होंने ड्राई पेपर में डायरेक्ट आ रहा है बट सॉफ्ट हो रहा है। और यही चीज अगर आप चित्रपट में जाके करेंगे आपको बहुत सारे वाटर की जरूरत पड़ेगा, वो तो इतना जितना जितना अभी तक किया उतना तो उसको भीगने के लिए लगेगा, वो भी कम पड़ जाएगा। तो भी ये क्या है कि अलग अलग पेपर का तरीका, अभी क्या दादा ने बहुत सारे काम किया इस पेपर के ऊपर, इतना खेल रहा है उसके साथ पेपर के साथ। और मतलब आप देखो कि ड्राई पेपर के ऊपर काम कर रहे फिर भी सॉफ्ट हो रहा है, तो वो क्या पेपर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हुआ, उनको मालूम है कि कितना कलर देने से एंड में मुझे इतना मिलेगा। तो वही कहने का मतलब कि आपको कुछ दिन करना है तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। एकदम एकदम बिल्कुल राहुल दादा, थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज आ रहा है आपके। हाँ, थोड़ा एक सेकंड मैं होल्ड कर रहा हूँ एक बार। हाँ मैं सबसे 1 मिनट का होल्ड चढ़ा हूँ दोस्तों। हाँ हाँ थोड़ा बता दो। क्या बोला मैम ने, आप डेमो दे रहे तो मुझे क्या? चिंता सर उनको मीट कीजिए। गुड इवनिंग निशी सर। गुड इवनिंग। अभी आएंगे तो पता नहीं लगेगा मुझे। लगेगा लगेगा। हाँ अगर था थोड़ा ये म्यूट है आपका। आ रहा है साउंड? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो से फ्रंट साइड में काम कर रहा हूँ। ब्राइट वायलेट भी ऐड किए इसमें, मैंने इस पैलेट में अभी जो डार्क जो जगह है इसको लाने के लिए, इसका भी कलर ज्यादातर मिजिलो का ही है। थोड़ा नाखून से मैं करता हूँ, अच्छा लगता है। जो नाखून खा जाता है जब रफ पेपर होता है ना, जब दिक्कत होता है तब नहीं करता हूँ, ये तो पेपर अच्छा स्मूथ है, नहीं खाएगा इसे। ज्योति कहाँ है?
हमारा शायद ये पहला डेमो होगा सिंपल पेपर का। बस बैकग्राउंड सोचो कि इधर फोकस रखे और ये जो सब साइड जो जगह है ये थोड़ा कलर पर्सपेक्टिव में आ गया। और इधर मैं इधर का हो कि मेरा घर जब इधर काम करूंगा हाँ सूख गया है तो इधर फोकस इधर का ही रखूंगा। आवाज आ रहा है ना ठीक से? यस यस ओके ब्राउन मिक्स कर रहा हूँ। ब्राउन थोड़ा बहुत ब्राउन और जस्ट थोड़ा ऑरेंज घर का शेडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बात है, पेपर में अभी भी नमी है और बहुत एक सुंदर कंफर्टेबल जो कंफर्टेबलनेस आ रहा है मुझे इस नमी से, ज्यादा सूखे भी नहीं और ज्यादा पानी पानी भी नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अभी पढ़ने में। सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है काम। तरह का जो हाउसेस आपको दिखने को मिलेगा जो अपकमिंग वर्कशॉप आ रहा है चिंतादा का बोलपुर में, उधर का थोड़ा बहुत अलग होता है लेकिन फ्लेवर कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। एक्चुअली ये क्या हुआ कि 28 तारीख को मैंने वर्कशॉप डाला, मेरा मन उस जिस दिन डाला उस दिन से हर रोज हो रहा है कि कब जाऊं कब जाऊं, तो जगह ही ऐसा लोकेशन है और ऐसा ये बड़े मजेदार है बोलपुर। कलारम को भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर नियर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो उधर एक प्रोग्राम रखने के लिए, बहुत हटके होगा तो उधर वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी देखने का जगह है सभी को, उस पे भी अच्छा लगेगा और काम तो उधर बढ़िया होगा ही। एक्चुअली मैं इसके इसीलिए ज्यादा मूव कर रहा हूँ उधर की बार बार जा रहा हूँ तो... बड़ा प्रोग्राम कुछ हो एकदम हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो, आपका नाम? नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम सूर्यांश है, मुझे ये पूछ सूर्यांश सर मुझे ये पूछना था कि जितने भी शैडो पार्ट के जो जितने भी शैडो पार्ट के एरियाज रहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे वार्म कलर लगाए पर हम ज्यादा देखते हैं शैडो पार्ट के एरिया थोड़े कूल कलर में जाते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ होता है, सही आपने सही बोला, लेकिन एक सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तभी किसी किसी टाइम में सनलाइट वार्म बिहेव करता है और किसी किसी टाइम में सनलाइट कूल बिहेव करता है। तो सभी तुम अगर ओपन एयर करता हो करते हो ओपन एयर में निकलते हो? हेलो यस सर, यस सर, यस सर।
यस सर, ओपिनियन में निकलते हैं तो अगर तुम ओपिनियन में ठीक से हाँ सर जाते हाँ तो ठीक से अगर देखोगे तो कभी कभी किसी किसी जगह ऐसा होता है ना जो शेडो पार्ट होता है ज्यादा, तो तुमने बात सही बोले कि वार्म भी होता है और कूल भी होता है, और किसी किसी जगह में ऐसे होता है कि वार्म भी होता है। हाँ तो ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है। कूल भी मैं यूज करता हूँ, लेकिन मुझे इधर जो ये जो टाइम था दोपहर का टाइम एकदम जब करेक्ट सनलाइट रहता है उधर, जो ऐसा सनलाइट होता है ना जो जहाँ सनलाइट गिरता है वही जगह से तुमको बहुत लाइट लगता है, और साइड वाला क्या होता है ना थोड़ा डार्क हो जाता है, तो वो वाला सनलाइट होता है कि ऐसा बहुत वार्म होता है। अगर तो तुम नेक्स्ट ओपिनियन में जाओगे तो थोड़ा देख लेना, तुम्हें इससे थोड़ा बहुत पता चल जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ऑलवेज ऑलवेज थोड़ा वेंडेक ब्राउन के साथ में जा रहा हूँ। वेंडेक ब्राउन बहुत ही अच्छा और मेरा बहुत ही फेवरेट कलर। इसीलिए हम ऑन द स्पॉट में जाते हैं कि क्या कलर है उसे वहां पे पढ़ने की कोशिश करना, मतलब कलर को। अभी राहुल दादा ने ऑन द स्पॉट जाके उस वातावरण में कलर को महसूस किया, समझने की कोशिश किया। कई बार स्टूडेंट्स जाते हैं तो फिर अपने ही कलर में चलते रहते, मतलब नेचर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करना कभी भी, ऑन द स्पॉट जाते हैं तो वो जो भी, अगर धुंधला है, अगर बादल है तो मौसम वैसे ही बनाना। ऐसा नहीं कि वहाँ लाइट एंड शेडो डाल दिया अपने से, तो ऐसा कभी नहीं करना। जैसे भी मौसम मिलता है, नेचर बहुत अच्छा ये देता है, तो उसी को कोशिश करना है। चाहे वो बारिश का आ जाए, चाहे वो क्लाउड का है, चाहे धूप का है, सुबह शाम, वो पेंटिंग में डिफरेंस ही आना चाहिए कि ये सुबह का है ये शाम का है। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम गया और लगे सब एक जैसा ही, तो वो ध्यान रखना। सही बात बोल रहे, तो ओपिनियन हम करना ही चाहिए। इसलिए कि जब घर में आप हम रेफरेंस देख के करते तो कुछ भी कर सकते, तो ओपन मेयर में तो हम जाते ही इसलिए ना कि हम नेचर से कलर सीखे, नेचर से कुछ सीखे, इसलिए जाते हैं। तो सर प्लेन एयर में हम अपने जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं पूरा सेम हमको कॉपी करना है वैसा, कि थोड़ा मन से भी ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, पूरा कॉपी मतलब ऐसा नहीं होता है। किसी किसी जगह में आप ऐसे भी वेदर होता है कि बस आप उससे सब्जेक्ट को ले रहे हो, हाँ कलर लाइट एंड शेड भी ले रहे हो, लेकिन थोड़ा जो है अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं। और एक होता है ना प्रोफेशनल लेवल में एक इसका इसका जो थ्योरी है, आप जो प्रश्न पूछे हमसे, इसका जो थ्योरी है ये मैं मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है दोनों तरफ दोनों तरीका का हो सकता है। जो बिगिनर होता है उसके लिए एक अलग होता है ये बात, और जो एक्सपीरियंस जो है जो आप बहुत सारे देखे हो डॉक्टर में भी काम किया, अश्विन तो दादा ने काम किया, विजय विश्वल जी ने काम किया, वो लोग क्या है ना उस कलर को थोड़ा अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से अपने फीलिंग से बहुत पीछे कुछ कुछ जगह में चेंज कर देते, ऐसा होता है। लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए वो चेंज जरूरी नहीं है, वो उसको थोड़ा बहुत और सीखने के बाद वो चेंजेस ला सकते हैं, तो खुद ब खुद चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत सीखने के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा अपनी बात करूंगा कि मैं प्लेन एयर से कुछ दिनों से जाने लगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है फिर भी मैं जा रहा हूँ। बट शुरू दिनों में क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट देखते हो आप चेंज नहीं कर पाते। आप गलत फहमी में मत रहो कि आप चेंज कर लेंगे, तो शुरू दिनों में आप उसी को कॉपी करो जो स्पॉट है। जब इसी तरह से आप बार बार स्पॉट पे जाएंगे, पिछले स्पॉट में जो सीखा था आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब उसके आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, समझ रहे हो? तो ऑन द स्पॉट जब बार बार जाएंगे, बहुत बार जाने के बाद आपको खुद से ही वो आ जाएगा चीजें, जो मेरे अंदर जो आए चेंजेस कि अभी मैं किसी भी स्पॉट में किसी भी चीज को ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पोजिशन को ऑन द स्पॉट जाके किया है
जिसके कारण कोई भी घर एक खड़ा कर सकता हूँ विदाउट, मतलब वहां पे हो ना हो, मतलब मैं कॉम्पोजिशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो कब आएगा? बहुत सारे बनाने के बाद आपको ये हो जाएगा, फिर अपने आप से आप किसी को हटाएंगे, किसी चीज को डालेंगे। शुरू दिनों में आपको उसी स्पॉट को स्टडी करो प्रॉपर, छोटा करो। और एक चीज है, छोटा करके करो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मत ले लो, बहुत सारे एरिया मत ले लो, छोटे से छोटे, चाहे गेट चाहे एक एक घर है, सिंपल स्टार्ट करना है। सर प्लेन एयर में हम अपना पेंटिंग को मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं? तो वाटर कलर के काम में क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है वाटर कलर काम में, जो कहां हमको छोड़ना है ये बात बहुत मतलब मायने रखता है। तो आप अगर जो पूछ रहे हो, आप जो अचिन दादा को फॉलो करता हो तो देखोगे कि काम में कितना जगह में वो काम को छोड़ रहा है। हाँ, कितना काम में कर रहा हूँ वो बात नहीं है प्लेन एयर में, तो वाटर कलर के काम में मैं कितना छोड़ रहा हूँ, इसका जो मजा दे रहा हूँ मैं दर्शक को, वही बड़ा काम है। तो वक्त मायने नहीं रखता, अगर आपको तो लगता है कि ये प्रॉपरली आ गया जगह, हाँ, और यहाँ पर और काम करने की जरूरत नहीं, तो आप बस छोड़ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि ना नहीं, मैं इधर पर थोड़ा बहुत, मेरा और भी काम जरूरी है, काम बाकी है, बस सही नहीं लग रहा है, काम थोड़ा करना होगा, तो वहां पर थोड़ा बहुत आप काम कर भी सकते हैं। लेकिन वाटर कलर के काम में देख लेना होता है कि ज्यादा ओवरवर्क ना हो जाए, ओवरवर्क होने से वाटर कलर का मजा चल जाता है, तो ये बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, ओवरवर्क ना हो। कभी भी किसी कोई भी काम के ऊपर टाइम के साथ अगर आप जोड़ लिया तो नहीं हो सकता काम। आपके काम का कितना डिटेल्स है, आप क्या करने गया, कितना कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। आप टाइम के साथ कैसे कर सकते है ना, तो टाइम के साथ कोई भी काम नहीं होता मुझे लगता है, कोई भी काम। तो आप काम के ऊपर टाइम होगा कि आप ये काम कर रहे हो, जो टाइम लगा उसमें अगर आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मान लो कि आप बिजी शेड्यूल में, आपको आधा घंटा टाइम है, ये फिर जाओ ही मत ज्यादा दूर, घर में ही खड़े होके कुछ आसपास में थोड़ा सा ये स्टडी ये सब। बट ये सवाल क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये टाइम कितना लगना चाहिए। या तो आप ज्यादा जाते ही नहीं, या गया ही नहीं है, मतलब आप जाते हो तो ये सवाल नहीं आना चाहिए। अगर अगर आप कहीं किसी फील्ड में बिजी हो तब ये सवाल आ सकता है कि कितना टाइम चाहिए। एकदम सही बात, बस आप स्पॉट में जाओ काम करो, अगर उसको अच्छा नहीं लगे फिर से करो। हाँ, ऐसे एक स्पॉट पे रुक जाओ, तीन चार टाइम में तीन चार टाइप का काम करो, हाँ ये अच्छा होता है। हाँ, वापस आओ, आओ ही मत वापस, लंच करो। हाँ, हम चितर में जब थे राजस्थान में, तो वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मैं गुलशन सर था और भी बहुत सारे थे, मतलब वहाँ पे 11-15 लोग होते हैं, मतलब आर्टिस्ट बुलाया जाता है, तो फिर वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके वहाँ आपका हेरिटेज वगैरह बनाना है और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ऐसा कुछ होता है। तो मैं यार गुलशन सर जाते थे, तो आप मानेंगे नहीं, एक के बाद दो होता था, दो के बाद तीन होता था, तीन के बाद अंधेरा होने लग रहा है, तो पहला पेंटिंग के बाद गुलशन सर कहते थे अचिंता और एक हो जाए, हाँ सर क्यों नहीं चलते। जब दूसरा होता है फिर मैं सर को बोलता हूँ सर अभी तो बहुत टाइम है और एक करते। और हमारा क्या था, वहां पे थोड़ा सा हाइट में चलता था हम चित्तौड़ में, तो हम ब्रेकफास्ट इतना हेवी करता था क्योंकि हमको मालूम ही है कि लंच नहीं करने आ पाएंगे, ना टाइम हो पाएगा, और अगर लंच करके जाना टाइम वेस्ट होना है, समय वेस्ट होना है, तो हम ब्रेकफास्ट बढ़िया तरीके से बढ़िया करके जाते थे, दोपहर को लंच हम करते ही नहीं थे। वहां पे 6-7 दिन का जो हमारा टाइम था वैसे ही किया हमने, तीन तीन चार चार स्पॉट में जाके उसको काम करके आना। तो इस तरह से एनर्जी आपके पास होना चाहिए ऑन द स्पॉट में भी, कि जाके आप एक नहीं दो तीन जो भी जितना भी हो सके टाइम वहां पे दो। समय होता है कि एक आपका ये वाला जो प्रोग्राम है हमने देखे थे, इसके बाद ही लॉकडाउन आ गया। पता है मुझे, हमको नहीं जाना चाहिए था फिर। लॉकडाउन के सर फरवरी को था आपका ये प्रोग्राम 2020 को, दो टू टाइम गया था मैं, एक बार सेकंड टाइम के बाद आया था निशी जी शायद, है ना, जो निशी सर हमारे साथ थे जब, वो हम जयपुर में थे उस समय। हर महीना कहीं ना कहीं जा रहे, वो भूल गया कौन सा महीना है।
इतना आप लोगों का तो इतना आप लोग इतना जाते हैं क्योंकि वही तो होगा ही कि भूल ही जाते होंगे कि अब मजा आ रहा है आपसे राहुल दादा, बहुत मजा आ रहा है। जो धूप आपने जो बोला वो धूप दिख रहा है। हाँ 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 उतनी निकालने की कोशिश करो। आप लोग का बैंगलोर कब है सुप्त दादा? बैंगलोर अभी हम जा रहे हैं 6-7-9 को है वर्कशॉप। अच्छा बैंगलोर में कुछ अभी उससे मेला वेला कुछ लगेगा ना गवर्नमेंट का? चित्र शांति है, चित्र शांति। हाँ उसमें आप भाग ले रहे हैं? भाग लेने का पहले नहीं था, पहले वर्कशॉप का था। अच्छा, अभी ऐसा अच्छा है कि हमने देखेंगे, मतलब अप्लाई किया है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे अटेंड भी हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। और ये हेलो सुन रहे था? हाँ ओके मेरे फिर दिखा दो तो खाता रहा उसका बच्चों तेरे से नहीं है हेलो 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 हाँ बोलिए। हेलो राहुल सर, मैं बस 10 सेकंड के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे थोड़ा बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख के आता हूँ। हाँ, नॉइज भी आ रहा है, हाँ, मना करके आता हूँ। हाँ 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 श्योर श्योर।
बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अमेजिंग। वंशिका यस सर हेलो हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? तब तक कुछ अपडेट दे दो वंशिका। सर आवाज आ रही है? आई एम बैक। ओके यस यस तो क्या ना मैं इस जगह को थोड़ा थोड़ा करके फिनिश कर रहा हूँ हाउस को। सही है। जो फोरग्राउंड में उसमें मोस्ट कौन सा कलर ज्यादा यूज हुआ है? ये फोरग्राउंड में ऑरेंज और अल्टरमेरिट ब्लू। अच्छा अल्टरमेरिट जो लाइट है वो डार्क नहीं है। एक कलर आता है मेजिनो में अल्टरमेरिट डार्क, वो नहीं है, अल्टरमेरिट लाइट है। पिंजिलों का क्या होता है ना, पिगमेंट बहुत फ्रेश पिगमेंट होता है उसका। आते हैं काम करने में। ये शैडोज में आपने क्या कलर मिक्स करे हैं? अभी वैंडिक ब्राउन और थोड़ा अल्टरमेरिट लाइट। ओके वैंडिक ब्राउन बहुत अच्छा कलर है, बहुत सॉफ्ट कलर है, इसका यूसेज सही से जाए तो पिक्चर में बहुत जान डालता है। आप कर सकते हो वैंडिक ब्राउन यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा डार्क कलर होता है वो। जी सर कॉम्बिनेशन दे रहा होगा अभी।
बैकग्राउंड को डार्क करूंगा। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो स्केच है ये इमेजिनेशन से करा है आपने या रेफरेंस का है प्लीज आप बताओ। नहीं नहीं रेफरेंस नहीं है, मैं हमारा यहाँ का एक जगह है, आप आज ही इस ओपन एयर के सिलसिले में निकला था, बस कुछ वहाँ पर कलर नहीं किए, थोड़ा ये जो थंबनेल है पहले जो मैंने थंबनेल दिखाया था वो थंबनेल बना के लाए हैं, तो इमेजिन से नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मैं ये जो जब मैं इसको डालूंगा डेमो को डालूंगा तो जो थंबनेल स्केच और जहाँ जो रेफरेंस है जो पिक्चर मैंने वहाँ पर उठा फिर भी लाए है वो डाल दूंगा मैं। ये भी वही कलर है जो पहले इस जगह में उस भाई ने मुझे पूछा था कि ये कौन कलर है, अल्ट्रामरीन ब्लू अल्ट्रामरीन ब्लू है ऑरेंज सेम कलर पूरा बहुत सामने में। संजय सर आपको म्यूट करना है, संजय सर जो ग्रीन के डार्क शेड है वो अल्ट्रामरीन के साथ ही किए ना आपने, ये ऊपर वाला जो है ना ऊपर वाला के नहीं वो अल्ट्रामरीन नहीं उसको कोबाल्ट ब्लू कोबाल्ट है, किसी जगह पे कोबाल्ट है और मैं जब बाद में जब काम को डालूंगा सामने से हो जाने के बाद तब जूम करके देखें तो आपको जो ब्राइट वायलेट है पिछले मिशन का वो भी दिखेगा। अच्छा वो भी मैं डार्क शेड के लिए उसको भी मिक्स किया हूँ। वाटर कलर पेंटिंग में क्या होता है कि योलो और अल्ट्रामरीन टू
कोबाल्ट ब्लू, ये सब बहुत ही महत्व रखते हैं सब कलर। ये सब कलर से पिक्चर का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, पिक्चर उभर के आता है। जूम में क्या होता है, जब भी कोई ज्वाइन करता है ना उस समय वो ओपन हो जाता है ऑडियो, तो वो बैकग्राउंड नॉइज के साथ ही वो ऑन होते हैं, जो भी ऑन होते हैं। सिस्टम चलने के मिडिल में भी जो ज्वाइन होता है उससे भी ऐसा ही होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसमें सेटिंग है ना कैसा, वो पार्टिसिपेंट के अंदर जाएंगे ना आपको सेटिंग मिल जाएगा एडिट के अंदर, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ओके ओके, जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन होता है ना वो म्यूट करके आएगा फिर उस वैसे। ओके, एनेबल वेटिंग रूम ऐसा तो नहीं, वो वाला नहीं ना? नहीं नहीं, म्यूट म्यूट फॉर वैसे कुछ तो ही ऑप्शन है। आर्टिस्ट और टेक्नोलॉजी के लिए की बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट क्लास था कि आज का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, चालू करना ही भूल गया। आज भी हो गया? होता है ना ऐसा, हम लोगों का गिच्छा मोबाइल चार्ज देने के बाद स्विच ऑन कर देने के भूल जाते हैं। फिनिशिंग होने का
पास आ गए फिनिशिंग टच डाल रहे इसमें गोल्डन टच वही सही बोले टच साइक नमस्ते राहुल भैया नाइस पेंटिंग नमस्ते कौन धनंजय कर्मकार वन एंड ओनली नाइस डेमो भाई मस्त थैंक यू भाई थैंक यू कुरेशी साहब ये जो बिल्डिंग का जिस एंगल्स में खड़े हैं वहां पे उतना ही दिखता है वो आपका जो सवाल है राइट वाला जो दीवार का वो नहीं दिख रहा है ना तो वो उसके लिए उतना ही है कि जिस जहां पे खड़े हैं वहां से उतना ही दिखता है वो पर्सपेक्टिव है ऐसा नहीं कि वो राहुल दादा से छूट गया ऐसा कुछ नहीं है पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो उतना ही दिख रहा है थोड़ा कैमरा इधर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा राइट में ठीक है हाँ
बस एक्सक्यूज मी नाउ इट्स फिनिश्ड सिग्नेचर करने वाला ही हूँ आशा करता हूँ सो आप लोगों को अच्छा लगा है मजा आ गया यह सब बहुत सुंदर लगता है सुपर थैंक यू बहुत अच्छा थैंक यू आप मेरे साथ जुड़े रहे अच्छा लगा आज दिन भी अच्छा था 25th December बड़ा दिन बोलते हैं हम मैरी क्रिसमस तो इसी दिन में मेरा डेमो पुल्स बाइक के थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अच्छा दिन में मुझे डेमो रखने के लिए दिया है तो अच्छा लगा मुझे आपके सामने एक पेंटिंग बनाने में कि हमारा यहाँ का ही एक जगह है यहाँ का एक फ्लेवर है आपके सामने हमने प्रेजेंट किए इसके और भी अच्छा लग रहा है तो बस आशा रखते हो आप चाहिए तो इसके साथ और भी कुछ आपके मेमोरीज के तौर पे कुछ पेंटिंग शेयर कर सकते हैं हमें तो हाँ ठीक है बिल्कुल तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए कुछ पेंटिंग और भी निकाल रहा हूँ जरूर जरूर क्योंकि इसी तरह से और भी देखने का मन हो रहा है क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट काफी सारी पेंटिंग कर बिल्कुल और किसी को कोई सवाल है एकदम खुले दिल से सवाल कीजिए कोई सवाल ऐसा नहीं होता गलत नहीं होता वो वो अगर नहीं करते फिर आपके मन में वो रह जाएगा हमें वो क्लियर नहीं होगा तो जरूर सवाल कीजिए सर ये जो सामने कपड़ा सूख रहा है वो बहुत मस्त लग रहा है वो लाइट के वजह से ऐसे मतलब व्हाइट छोड़े है और ऐसे हाँ क्या है ना ये जो हम जो एक बदले कुछ देर पहले जो पूछे थे हमको कि अगर लाइट का कैरेक्टर कैसा है तो उसको हमने बोला ये जो लाइट है दोपहर का लाइट है थोड़ा वार्म लाइट है और ये लाइट क्या होता है ना जब किसी जगह में पड़ता है आप अगर ओपिनियन में जाओगे तो देखोगे ना बहुत ज्यादा हिट करते किस जगह को तो वो जगह का कलर उतना पता नहीं चलता है लाइट गिरने के बाद लाइट एक जगह का लाइट आपको मतलब एक अलग अलग करके पता कब चलेगा जो मॉर्निंग का जो लाइट होता है वो सॉफ्ट जो होता है ना वो सॉफ्ट सनलाइट होता है और जब सुबह डूब रहा है वहां का जो सनलाइट होता है वो सॉफ्ट सनलाइट होता है वहां का उसका कैरेक्टर अलग होता है और ये जो सनलाइट मैंने दिखाने की कोशिश की है इसका कैरेक्टर अलग होता है तो इसके वजह से ये थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं समझ गया वेंदिला क्या चाह रहा है जींस ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है राइट आ गया ना जवाब तो वो दिख रहा है कि बहुत सारे लाइट गिर रहा है तो ऐसे में गलती करते हैं कि हम हर सारे कलर वो लाल भी कपड़ा होना चाहिए ब्लू भी जींस भी होना चाहिए नहीं ना वो उसके देखो क्या चाहिए क्या दिखाना चाह रहे हम तो इसलिए वो लाइट है क्योंकि वो उतना धूप में वो बहुत ज्यादा फ्लैश कर रहा है एकदम तो बहुत ही एक्चुअली वो जो धूप का जो असर जो शुरू में सर कह रहे थे राहुल दादा एकदम उतना मतलब उससे ज्यादा ही धूप दिख रहा है हमें बहुत मजा आ रहा है दिखाने का और एक ये पेंटिंग है शांति निकेतन का ये सब ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरी रखता है क्योंकि हम वंचित दादा सब जाकर वहां पर गया जाकर बनाए थे फूलपुर में इस पट में सभी काज किए वंचित दादा ने काज किया हमने काज किए शरद दादा ने काज किए जो लोग गए थे सभी एक ही जगह में खड़े होकर हम काम कर रहे थे ये दोबारा भी किया ये काम इतना खूबसूरत बहुत अच्छा और ये जो पहले पे जो एक पेपर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ ना जो संथाल पब्लिक बनाते हैं जो आदिवासी होता है ट्राइबल होता है वो ट्राइबल लोग ये पेपर बनाते हैं अच्छा ये रुपीस 55 में आते हैं ये सब पेपर आपको शांति निकेतन में भी मिला है मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा इसका ग्रेन अगर आप देख सकते कैसा ग्रेन है थोड़ा रफ ग्रेन हो ओके और एक पेपर का फीचर क्या है ना इजी टू करेक्ट है किसी की जगह में आपका कलर गलत हो गया हाँ और कलर थोड़ा बहुत खराब हो गया तो उसको आप उठा सकते हैं उठाने से बाद भी पिक्चर का पेपर का ग्रेन खराब नहीं होता है वो सही से उठ जाता है मतलब इजी टू करेक्ट पीछे जो टाली बनाते समय आपने थोड़ा करेक्शन किया तो आराम से वो लिफ्ट भी उठ गया एकदम पका हो गया थोड़ा मुझे उस जगह गलत लगा इसलिए मैंने उठा दिया और ये पिक्चर में दिखाना चाहूंगा ये मेरा ये जो आप पिछले बार जो बूंदी टू हुआ था ना बूंदी का बूंदी मेरा बहुत फेवरेट जगह वहां पर भी ऐसे ही होता है धूप का इतना कहर बरसाता है मैंने फेब्रियाना स्टूडियो में किया ओके
बहुत अच्छा। और एक स्पेशल इमेज ये भी एक बोलपुर का है उधर का शांति निकेतन का ये भी एक हाँ ये देखा देखा लग रहा है हाँ हाँ एक जो पोस्ट किए थे फेसबुक पे और ये है सबसे स्पेशल हमारा यादगार टूर कश्मीर श्रीनगर क्या बात है हाउस बोट से जगह दिख रहे थे तो वहां पर मैंने ऐसे थंबनेल स्केच किए थे एक्चुअली ये कंपोजिशन मतलब देखते आपको मतलब दिमाग घूमेगा कि इतने सारे ऊपर है पानी के और तो रिफ्लेक्शन मतलब एकदम पागल करने वाला क्योंकि बहुत ज्यादा कलर चेंजेस है ये वो होता रहता है इसमें और वाटर कलर में क्या उसको छोड़ के काम करना होता है ना लाइट एरिया मेंटेन करना काफी मुश्किल रहता है इसमें हाँ हाँ बोलिए थंबनेल्स बनाने के बाद कलर्स कैसे याद रखते हैं सर याद अगर क्या होता है ना ये एक हैबिट होता है अगर आप ज्यादा आउटडोर करते रहेंगे ना तो ये आपको याद रह जाएगा पहले पहले दिक्कत होगा पहले पहले ऐसे घबराहट होगा अरे क्या कलर दिखा था याद नहीं आ रहा है लेकिन आप जब करते जाओगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको कलर याद आ जाएगा और आप एक दो फोटो भी खींच सकते हैं वो कोई बात नहीं फोटो खींच के भी फोटो से बाद में देख के याद कर सकते हैं वो कलर इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है तो ये भी एक है रेफरेंस पिक्चर से एक है ये वाला और ये भी एक है रेफरेंस पिक्चर से मस्त थैंक यू तो यहाँ पे किसी को और भी कुछ सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए दादा को एकदम किसी को कोई भी कलर या किसी भी कलर थ्योरी या किसी भी पर्सपेक्टिव किसी के बारे में सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं भेजिए मैं थोड़ा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरा एक बात बोलना है आप लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से जो बिगिनर है जो पहले पहले कर रहे हैं ये जो जगह देखिए ना मैंने यहाँ पर जो काम जो किया ना पेड़ के ऊपर बैकग्राउंड में यहाँ पर काम किए और इसको थोड़ा छोड़ दिए तो इसको कलर पर्सपेक्टिव ऐसे आ रहा है ये देखिए ये जगह सबसे छुरा हुआ है ये जगह डार्क है इससे थोड़ा डार्क है तो इससे डायमेंशन आता है किसी किसी को करता है ना कोई बहुत जगह में डार्क दे देता है तो इससे फ्लैट हो जाता है डायमेंशन नहीं आता ऐसे मैंने थोड़ा डायमेंशन क्रिएट करने का कोशिश किया और इधर भी थोड़ा इधर डार्क लाए और इधर थोड़ा जगह हल्का छोड़ दिया तो इधर से भी थोड़ा डायमेंशन आ सकते हैं पिक्चर में ऐसे तो ये सब आ जाते हैं काम जब आप जितना वाटर कलर को प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आप में खुद ब खुद ही आ जाए प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है वंशिका यस सर डेफिनेटली सर ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करा हमें थैंक यू सो मच सर इट वाज अ लवली सेशन एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं नीचे चैट बॉक्स में कि कितना अच्छा काम हुआ है एंड लोग आपको थैंक यू भी कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच थैंक यू सबको मैं थैंक यू कर रहा हूँ मैं बहुत आभारी हूँ सबका सबने धैर्य रखकर मेरा सेशन देखे थैंक यू सर अच्छा ये बाद में मैं कॉमेंट बॉक्स में देख सकता हूँ जूम में घुस के यस सर अभी देख लीजिए तो अभी देख सकते हैं बट उसमें ये यूट्यूब लाइव में नहीं हो पाएगा वो सेव ना जी सर लाइव में उनके कमेंट रहेंगे इधर का नहीं यस सर अगर हर ये कुछ तुम्हें अगर कमेंट दिख रहा है ना थोड़ा मुझे स्क्रीनशॉट मार के भेज देना थोड़ा हाँ हाँ देता ठीक है ओके थैंक यू अरे निशिता भी ज्वाइन हो गया अरे मैं शुरू से सर अच्छा निशिता नाइस टू सी यू बहुत खुशी हुई आपको देखकर अरे बस सर आपका काम देख के खुशी हो जाता है सबको आपको अच्छा लगा आज का सेशन बहुत बहुत सुंदर काम हुआ आज का एकदम थैंक यू सो मच निशिता एकदम ऐसा धूप निकल के आ रहा है बाहर हाँ क्योंकि हमारे यहाँ का अश्विन चौधरी भी जानते हो कि अश्विन चौधरी का पेंटिंग में भी निखरता है कि हमारे वेस्ट बंगाल का धूप ही ऐसा होता है बहुत कड़क धूप दोपहर का पहले का जो धूप होता है एकदम आग जला देने वाला
अच्छा ये कलाराम की जो नाम पे है वो कौन है? एक जो मीटिंग आईडी मुझे दिख रहा है कलाराम लिखा हुआ है उस पे कौन है? कोई तो होगा भी होगा सर। हाँ नहीं हर हर टाइम रहता है, मुझे लगा कुल सर आपने इसमें से पढ़े। नहीं कुल सर कुछ नहीं नहीं मैं नहीं हूँ सर, कलाराम है वो, कलाराम भी तो ज्वाइन करता है सर। कलाराम के कोई चाहिदा क्या वो चाहिता क्या बोलते हैं कलाकार? चलो अच्छा तो थैंक यू सो मच सब हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राहुल दादा आपका काफी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमेशा। आपको भी धन्यवाद साथ हो हर वक्त कलाराम के साथ, बहुत ही मुझे अच्छा बहुत इंस्पिरेशन मेरे लिए कलाराम बहुत ही एक इंस्पिरेशन मतलब समझता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे साथ काम करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग इतना फ्रेंडली हो, जितने भी मिले बस आप सब इतना फ्रेंडली हो, इतना सब मजे करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं हर वक्त, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर आपके साथ हर वक्त। माय प्लेजर। बस आपके जैसे आर्टिस्ट सबके साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो इसीलिए कलर हम खड़ा है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ से हम आपका जो डेमोस्ट्रेशन है, किसी ने मिस किया रहेगा शुरू में, हमारा यूट्यूब पे ये पूरा डेमोस्ट्रेशन है, तो कलरम हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डेमोस्ट्रेशन हुए, जो मधुसूदन दास बहुत सारे मतलब विजय बिस्वाल, मिलिंद मुई, अमित कपूर, इनके भी डेमोस्ट्रेशन आपको कलाराम के चैनल पे देखने ही मिलेंगे, तो जरूर आप देखते रहिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप सीखते जाइए, और सीखने से जो भी आपको कुछ आ रहा है वही हमारा आर्टिस्ट का एक क्रेडिट हो जाएगा कि हाँ आर्टिस्ट बहुत सारे आर्टिस्ट आने के बाद आप कुछ सीख पाए उसमें से, तो आप इंस्पायर होते रहिए, और भी हम नेक्स्ट संडे भी किसी ना किसी को लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, ओके।